मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचल काफी तेज है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से नेता टिकटों की दावेदारी को लेकर हुंकार भरने लगे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा के जन्मदिन पर भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अनूप मिश्रा ने कहा कि पार्टी किसको टिकट देती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता नासिर गौर। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा जी का आज जन्मदिन है और आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से लोगों का एक सैलाब सा उबड़ा हुआ है, उनका जन्मदिन बना रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप अपने जन्मदिन को? बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं बनाने के लिए। जैसे हर साल देखता हूँ, हर साल ऐसे ही लोग आते हैं। ये लोगों का प्यार स्नेह है जो मेरे प्रति अगाध विश्वास रखते हैं। लेकिन इस बार चुनावी साल है और कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, इच्छा भी जता रहे हैं। चुनाव मैंने कब नहीं लड़ा, 18 में भी लड़ा था, 14 में भी लड़ा था, 13 में भी लड़ा था। तो चुनावी वर्ष तो हर 5 साल में आता है, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो। इस बार कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? आपने अपनी बात भी रखी है, अभी देखा हम भोपाल गए। अपनी बात रखी है तो आपको पता है कि मैं किस सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ। कहाँ से लड़ रहे हैं? मैं दक्षिण से चुनाव लड़ रहा हूँ। तैयारी पूरी है? मेरी तैयारी तो हमेशा पूरी रहती है। जब मुझे हमेशा सीटें बदल के लड़ने का आदेश मिला पार्टी की तरफ से, तो मैं उन सीटों पर भी लड़ा हूँ। मेरी तैयारी जनता की तैयारी है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की बहुत दावेदारी सीट से है, तो कैसे? हर सीट पर रहे हैं और हमेशा रहे हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय है, उस निर्णय को मैं मान्य करूंगा। तो क्या लगता है कि पार्टी इस बार आप पे भरोसा जताएगी फिर दक्षिण के लिए? मैं तो ऐसा मानता हूँ, बाकी पार्टी को निर्णय करना है। तो आप देख सकते हैं और जैसा कि उनका कहना है कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और वो दक्षिण से दावेदारी कर रहा हूँ। वैसे में देखना यही है कि पार्टी उनको चुनाव में के मैदान में कब उतारती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।